रुपए का गंगा जल 35 में में रहा था और ऑनलाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो एक सौ पच्चीस रुपए का लेते तो दस की और चार लेते तीन सौ की जीएसटी लगकर बिक रही थी हिंदू धर्म में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक सोलह कर्मकांड होते हैं और उस सब में गंगा जल अनिवार्य है घर की शुद्धि के लिए आचमन के लिए चरणामृत में जब तक गंगाजल नहीं पड़ता वो आप देवी देवताओं को चढ़ा ही नहीं सकते तो इन सब चीजों में गंगा जल अनिवार्य है और सरकार की प्लानिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी इस पर भी 18 परसेंट टैक्स श्रद्धालुओं से लिया जा रहा था कांग्रेस ने जब इस मामले को उठाया इनके सच का पर्दाफाश किया इनका भांडा फोड़ किया तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते चिर परिचित अंदाज में भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता उनकी ट्रोल आर्मी और उनके फेक न्यूज के जो सरगना है उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि असल में गंगा जल पर तो जीएसटी है ही हिंदू धर्म में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक सोलह कर्म कांड होते हैं और उन सब में गंगा जल अनिवार्य है घर की शुद्धि के लिए आचमन के लिए चरणामृत में जब तक गंगा जल नहीं पड़ता वो आप देवी देवताओं को चढ़ा ही नहीं सकते तो इन सब चीजों में गंगा जल अनिवार्य है और सरकार की प्लानिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी इस पर भी 18 परसेंट टैक्स श्रद्धालुओं से लिया जा रहा था कांग्रेस ने जब इस मामले को उठाया इनके सच का पर्दाफाश किया इनका भांडा फोड़ किया तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया और मैंने आपको ये सारे तथ्य कागजों के साथ दिखा दिए हैं अनाउंसमेंट के जीएसटी ऑर्डर के और फिर कैसे विथड्रॉ किया गया नवरात्र चल रहा है बहुत पावन पर्व है नौ दिन देवी के नौ रूपों की उपासना की जाती है अलग अलग मान्यताओं से मनाया जाता है अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है कहीं पर मां का माइके आना तो जैसे बेटी घर आती है हर्षोल्लास होता है वैसे आपको बंगाल के पंडालों में प्रतिमा और आ, पंडालों में दिखेगा कहीं पर रात भर गरबा और डांडिया किया जाता है कहीं पर व्रत उपवास किया जाता है कहीं पर गोलू सजाया जाता है लेकिन नौ दिन उपासना मां की जरूर होगी तो इस बार जब उपासना होगी और गंगा जल पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा तो श्रद्धालुओं के मन से हमारे लिए आशीर्वाद और आशीष जरूर निकलेगा और उसी आशीष का परिणाम है कि हमके, हम इनके हर झूठ का भांडा फोड़ करते रहेंगे क्योंकि यह सच की लड़ाई है, और सच में यह हमेशा हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं तो आपके सामने यह तथ्य लाना जरूरी था थोड़े दुख के साथ यह बात यह भी कहती हूं कि यह इन्वेस्टिगेशन ये फैक्ट चेक तो आप कुछ साथियों को करना चाहिए था हम लोगों को करना पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं आश्वस्त रहिए है, हम यह काम जरूर करते रहेंगे और सरकार का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करते रहेंगे और असली चेहरे में धर्म के ये स्वयंभू ठेकेदार धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लोगों को ठगते हैं मां गंगा को भी इन्होंने बख्शने का काम कहा नहीं। नहीं। नहीं गया था कि यह पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जी जीएसटी लगता ही नहीं है वो भी एक कोरा झूठ है ये सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है इसमें दस चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है यह कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है उसमें रुद्राक्ष की माला है और आपकी सहूलियत के लिए जिससे कि लोगों को दिखा हुआ ज्यादा याद रहता है ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं कि पता रहे क्योंकि गंगा जल पर जब झूठ जो, जो बोल सकता है मां गंगा के नाम पर जो झूठ बोल सकता है वो तो हर चीज पर झूठ बोल सकता है तो ऐसे लोगों को साक्ष्य दिखाना बड़ा जरूरी होता है रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है पूजा सामग्री में नंबर वन ये है उसके बाद यज्ञो पवीत पर यह आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं इस पर जीएसटी नहीं है बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है रक्षा सूत्र भी कहते हैं इस पर भी जीएसटी नहीं है विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है इस पर भी जीएसटी नहीं है रोली पर जीएसटी नहीं है चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है और जो खड़ाऊ लकड़ी का और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं इस पर भी जीएसटी नहीं है बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है चरणामृत पे जीएसटी नहीं है अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं नील जीएसटी इन दस चीजों पर है हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18 परसेंट टैक्स लगा रहे थे अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी इसका एक उद्देश्य था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को और दूसरा डाकघर की आमदनी बढ़ाना था और डाकघर अधिकृत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे और इसीलिए 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल तीस रुपए में बिकती और जब सरकार का निर्णय आया सरकार ने आदेश दिया तो वो तीस रुपए की बोतल पैंतीस की हो गई थी ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूं दो ऑर्डर एक आठ अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक तीन अक्टूबर को निकला था जिसमें गंगा जल पर अठारह परसेंट जीएसटी लगाने का आदेश था और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि सच को दिखाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है और झूठ जो बोलना बोलता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी झूठ ध्वस्त हो जाता है यह इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की साफ तौर से कह रहे हैं कि 30 परसेंट प्लस 18 परसेंट जीएसटी पर आपको